दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, आज मैं हूँ ग्रीन पार्क में, जहाँ पर जय भगवान जाटव जी रहा करते थे, और आज जय भगवान जाटव जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और आज मैं उन्हीं के ही निवास स्थान पे ग्रीन पार्क में हूँ। और यहाँ पर तमाम समाज सेवी जो हैं वो सभी लोग पहुँचे हुए हैं, और सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जय भगवान जाटव जी ने समाज में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया, और समाज के सभी लोगों के साथ मिल कर के काम किया। आज जो ये काम है, ये उस पर थोड़ी सी रोक लग गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जय भगवान जाटव जी जो हैं, अगर समाज में और हमारे साथ होते तो बहुत तरीके से काम और भी हो सकते थे। कुछ लोगों से जानना चाहूँगा, सर आज हमारे बीच में जय भगवान जाटव जी नहीं रहे हैं, कितनी क्षति पहुँची है समाज को? इतनी क्षति पहुँची है कि उसको बयान करना मुश्किल है, क्योंकि समाज के प्रति वो डिवोटेड थे जी। और जितना उन्होंने काम किया बिना स्वार्थ के, आप पब्लिक देख लीजिए, उसका प्रमाण है जी। मैं आशा करता हूँ कि उनकी फैमिली भी उनके पदचिन्हों पर चले और समाज को आगे मार्गदर्शन दे। समाज में बढ़ चढ़ करके शुरू से ही काम करते रहे और लास्ट टाइम तक भी काम करते रहे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? इनका समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है जी। और मैं जय भगवान जाटव जी को करीबन 30 साल से मैं उनके साथ जुड़ने का मौका मिला जी। और जितना चिंतक दलित समाज के लिए उनका रहता था, तो शायद ही क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था पिछले 10 साल से, उसके बावजूद भी दलित समाज के लिए लगातार लेटर लिखना, जाना, सबके साथ बैठ करके हम लोगों को भी बोलते थे कि जहाँ चलना है मैं चलता हूँ, लेकिन जो उनको न्याय दिलाने की बात करते रहते थे, पूरा जीवन उन्होंने उछावर कर दिया। वो पॉलिटिकल भी गए तो सोशल ज़्यादा थे, पॉलिटिकल कम थे। तो ऐसे व्यक्तित्व का आज लॉस हुआ है, समाज को बड़ी क्षति पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज को क्षति पहुंची। और मैं बताना चाहूँगा कि जय भगवान जाटव जी का जो पार्थिव शरीर है वो आ चुका है इस टाइम, और सभी लोग जो हैं उनके पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं, और परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समाज के सभी, समाज के छोटे बड़े लोग जो हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जय भगवान जाटव जी को सब लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जय भगवान जी हमारे बीच में नहीं है, समाज को कितनी क्षति पहुँची है? मुझे ऐसा लगता है कि इस बहुजन समाज के लिए भीष्म पितामह की तरह काम किया है। मान्यवर से अभी पिछले समथिंग 2 हफ्ते पहले हमारी मुलाकात हुई थी, और बहुत सामाजिक मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे जी। और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ बिताए लम्हों को उन्होंने हमसे साझा किया था। समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम लोगों को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और मुझे दुख इस बात का है कि जब मेरे सीखने का नंबर था तो वो हमारे बीच से चले गए जी। आपको 12 बजे तक काम करना? नहीं, बिल्कुल, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं बीते 2 हफ्तों से मिला हूँ, उन्होंने बहुत 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 जो कुछ सिखाया, लेकिन हाँ, उनका जो कारवां था, उनका जो मूवमेंट था, जो मिशन वो लेके जाना चाहते थे, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं। बिल्कुल वचनबद्ध हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जय भगवान जाटव जी आराम बहुत कम किया करते थे, पर काम समाज के लिए काम बहुत ज़्यादा किया करते थे। देखिए, जय भगवान दलित समाज में एक प्रतीक थे जी। मैं इनसे सबसे पहले 1981 में मिला था। सक्सेसफुल व्यवसायी रहे, सोशल वर्कर रहे, और किसी भी मौके पर ये पहुँच जाते थे। तो क्षति तो जरूर हुई है, लेकिन एक अच्छी उम्र भी इनको मिल चुकी है, तो इसलिए जो है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। जय भगवान जाटव साहब जाटव समाज के एक आइकॉन थे। सबसे पहले उन्होंने ही इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, और जो IAS BCS या लीडर कोई आते थे तो सबसे पहले पालिका बाजार ही जाते थे जय भगवान जाटव साहब से मिलने के लिए, और जय भगवान जाटव साहब उन्हें आशीर्वाद भी देते थे। बहन कुमारी मायावती जी भी जब सुबह स्टार्ट हुआ, और कांशीराम जी भी, जहाँ तक मैंने सुना है और देखा भी एक बार है, तो जय भगवान जाटव साहब की जो दुकान है पालिका बाजार में नीचे, वहीं स्टूल में बैठ के ब्रेड पकौड़ा और वो खाया करती थी, और जय भगवान जाटव साहब ने बहुत हेल्प की अपने लोगों के लिए। तो आज बहुत बड़ी क्षति है उनकी, जो आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी बहुत दुखद है हमारा ये होना, और समाज के लिए भी बहुत दुखद है। अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय समाज के लिए लगाया है जी, और मैं देखता हूँ कि समाज में आज जो चेतना आज जागृत हुई है,
उसमें माननीय जय भगवान जाटव जी का बहुत बड़ा योगदान है। सभी सामाजिक दल पहुंचे हुए हैं और राजनीतिक दल भी पहुंचे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी से उनका लगाव भी बहुत था। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा सर कितनी क्षति पहुँची है राजनीति में भी और समाज में भी। आज हमारे बीच में से समाज की बहुत बड़ी हस्ती जिसने समाज को इतना कुछ दिया वो आज हमारे बीच में नहीं है, माननीय जयप्रकाश जय भगवान जाटव जी। तो समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है, उन्होंने अपनी समाज में पहचान बनाई थी। तमाम लोग आज देख रहे हो आप लोग कि आज तमाम समाज के लोग, दिल्ली के ही नहीं तमाम NCR के, तमाम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में आज यहाँ चल कर के आए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया होगा तभी आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर आज हमारे बीच में चली गई है। तो बस यही है कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनके मानने वाले जय भवन जाटव जी के, सब जानने वाले समाज के लोग और ख़ास तौर से उनके परिवार के लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं कामना करता हूँ तथागत बोध से कि वो उनकी इस दुख की घड़ी में उनका हिम्मत दें और साथ उनके इस संकट को, इस दुख को सहने की शक्ति दे, मैं यही कहता हूँ साथियों कि बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप युवा हैं और युवाओं को भी जय भगवान जाटव जी बड़े आगे लेके आते थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए आज बहुत बड़ी क्षति है दिल्ली के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि जय भगवान जाटव जी जो थे वो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते थे, पूरे जीवन काम किया सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के वो योद्धा रहे हैं और हमेशा हर व्यक्ति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करी है। आज जब भी देखा पूरे देश का समाज यहाँ पर है इकट्ठा है तो ये इंसान की अच्छाई बताता है जी। जब इंसान के पीछे पूरे दिल्ली के, पूरे बाहर बाहर के लोग, नोएडा के और आसपास के लोग आने में यहाँ पर सक्षम हुए हैं तो ये दिखाता है कि उनका समाज में कितना बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, योगदान तो बहुत ज़बरदस्त था। मैं भी कई बार उनसे मिला था और कई बार वो मुझसे कहा करते थे कि मिलिंद जितने भी लोग हैं उन सबको एकजुट करके और एकजुट करके एक समाज में एक अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। मेरे साथ RR बाग जी भी हैं सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कई सालों से उनके साथ थे आप जी, जी क्या लगता है कि कितनी क्षति है हमारे पूरे समाज? बड़ी क्षति हुई है, जो डॉक्यूमेंटल उनके फाइल्स जितने पड़ी हुए हैं एट्रोसिटीज एक्ट के लीजिए, तमाम स्कीम के बारे में डायल करते थे और पिछले जो प्रधानमंत्री कार्यालय POMA से जुड़े हुए थे तो उनको हर स्कीम के बारे में, हर चीज़ के बारे में बारीकी ज्ञान था, फाइल्स था। माननीय काशीराम साहब भी उनके दफ्तर में आके बैठा करते थे। तो मेरे कहने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो कर रहे थे, जो सबसे बड़ी जो चिंता मुझे हो रही कि वो डॉक्यूमेंट्स पेपर्स का, वो RTA का, जो स्कीम के ऊपर DD के ऊपर तमाम जो अटके पड़े हैं उसका क्या होगा, कौन है? मैं बहुजन समाज को पूछना चाहता हूँ, जो अभी तक इतने सारे विरासत उन्हें खड़ा कर दिया राष्ट्रीय शोषित परिषद के बैनर पे, भीम संसद के माध्यम से तमाम जो क्वेश्चन समाज के सामने रखी हैं उनका क्या होगा? और मेरे युवा पीढ़ी को, सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ वो आके उसको संवारे, उसको पढ़े, वो डॉक्यूमेंटेशन का कुछ तो करे, जो पेपर इकट्ठा किए हैं, जो तथ्य इकट्ठा किए हैं और फिर दोबारा उस जगह से। जय भगवान जाटव जी के साथ के कुछ और लोग भी थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या लगता है कि समाज में कितनी क्षति पहुंची है? समाज में तो बहुत क्षति पहुंची थी, ये क्रांतिकारी थे, समय समय पर जो भी अगर कोई बात होती थी सरकार की तरफ से कोई विरोध समाज का होता था ये उसको उठाया करते थे, कभी जाटव पंचायत के नाम पर, कभी दलित पंचायत के नाम पर। इनका काम हमेशा ये रहता था कि हमेशा समाज को उठाने की बात की उन्होंने। और मैं इनसे आज से नहीं, मैं करीब 30 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से 30 साल से मेरे इनके व्यक्तिगत इनके ताल्लुक थे जी। आप क्या कहना चाहेंगे उनके? सर एक ऐसे व्यक्तित्व का अचानक आना, सिर्फ जाना समाज के लिए क्षति है, परिवार के साथ तो है ही है, समाज को भी एक व्यक्तिगत रूप से इतना घास सा पहुँचा है, क्योंकि अपने समय के और अपने युग के लोगों के साथ काम करना तो हर व्यक्ति जानता है, पर युवाओं को जोड़कर साथ चल के काम करना, समाज में परिवर्तन लाना, समाज में जो अन्य वर्ग के लोग, सामाजिक जितनी भी योजनाएं आती हैं उन योजना को पढ़ना, उनको समझना और वहाँ हमारे समाज को कितनी क्षति हो रही है उसके विरोध में लोग इकट्ठे करने, जो दलित संसद के रूप में आयोजन करना, इस तरह का जो आयोजन कार्य था उससे एक अच्छा और ऊर्जा जैसा ऊर्जावान जो संदेश जाता है, वो संदेश के लिए हम इनके ऋणी रहेंगे और निरंतर अब जब हम तो बस भावनी श्रद्धांजलि आदांजलि प्रकट कर सकते हैं इस समय। आज हमने भारतवर्ष में शोषित वंचित समाज की उस आवाज़ को खो दिया जो निरंतर लगातार किन भी परिस्थितियों में पीड़ितों की आवाज़ को उठाते थे। दिल्ली में उस आवाज़ को
हर उस चौखट पर लेकर जाते थे जहाँ न्याय की उम्मीद होती थी। तो आज हमें लगता है कि हमने उस व्यक्ति को खोया है जो सदियों में पैदा होते हैं और मजदूर किसान शोषित की आवाज़ बनते हैं। मैंने तो साहब के साथ काम किया है, मैंने देखा है इनके घर पे कोई भी गया उसकी हर तरीके से मदद की गई और कभी भी उस व्यक्ति का जो पीड़ित आता था उनका मनोबल डाउन नहीं होने दिया, उनकी आवाज़ को बढ़ाया। भारत के किसी कोने में जाना हो, भारत के किसी कोने की आवाज़ को ला करके दिल्ली खड़ा करना हो, उठाना हो, वो जयभान जाटव जी के माध्यम से उठती थी। कोई ऐसा पल है जो आपके साथ उनका ऐसा बीता हो जो हमेशा आपको याद रहेगा? एक पल मैं आपको बताऊंगा कि जब सहारनपुर की घटना हुई थी, जिस समय चार चार स्टेटों की पुलिस हम लोगों को ढूंढ रही थी, जो सबीरपुर वाला कांड हुआ था, एक मेरे मित्र और थे वो भी साथ में थे, तो जिस दुख की घड़ी में और चार स्टेट की पुलिस ढूंढ रही हो उस वक्त में सगे रिश्तेदार भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, उस वक्त जयभान जाटव जी हमारे साथ तन मन धन के साथ खड़े रहे थे। तो वो पल सबसे भावुक है मेरे लिए कि जहाँ सगा भाई साथ छोड़ दे वहाँ जयभान जाटव उस उम्र में, जिस उम्र में लोग काम करना पसंद नहीं करते, वहाँ खड़े रहे और हमारा हौसला बढ़ाया और उस आवाज़ को उठा करके हमने सहारनपुर के पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। तो मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है बाबूजी को और हम उम्मीद करते हैं जो सपने उन्हें सजोए थे, जो उन्होंने सपने देखे थे कि समाज को एकजुट करके और भोजन मूवमेंट को मजबूत किया जाए, तो हम उनके ही बनाए हुए रस्तों पर चलने का काम करेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। वो आज भी हमारे बीच जिंदा हमेशा रहेंगे विचारों में। जो सामाजिक आदमी हो, हमेशा दूसरों के लिए जिया हो और वो जो आदमी समाज में से चला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उनके जाने से समाज को जो तकलीफ हुई है, जो उनके परिवार को तकलीफ हुई है, उतनी समाज को तकलीफ। आज वो समाज में जो उनकी रिक्ति हुई है उसको पूर्ति करना बड़ा असंभव है। तो ऐसे व्यक्ति को तो जितना भी याद किया जाए उतना ही कम। देखिए, मेरठ के एक छोटे से गाँव से निकल कर देश की राजधानी में उन्होंने एक मजबूत मुकाम बनाया है, संसाधन के हिसाब से भी और सामाजिक जो संघर्ष है उसके पर्याय रहे हैं और हम सब उनको आज नमन करते हैं और बहुत हमको व्यक्तिगत दुख भी है। जय भगवान जाटव अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। पूरे जीवन भर संघर्ष किया उन्होंने कमजोर तबके के लिए, वंचित तबके के लिए, और हमेशा निरंतर आखिरी सांस तक लगे रहे। मैं समझता हूँ ये एक रोल मॉडल है समाज के लिए और जय भगवान जाटव जैसे लोग, मैं समझता हूँ बहुत समय बाद कभी कभी ऐसे लोग आते हैं और ये अनुसरण करने हो गए। ये उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर जो है बहुत बड़ा काम करूँ, हाँ समाज को जोड़ दूँ शोषित पैतृक संघ के तत्वाधान में। फिर राष्ट्रीय शोषित परिषद बनाया गया, उसके 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 अंतर्गत जो है बहुत बड़ा उन्होंने ये काम किया, तमाम दिल्ली के पूरे भारत के दलितों को जोड़ दिया और एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया। हाँ, समता सैनिक दल के विशेष सहयोगी थे, इसलिए हम सब उनको जो है आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भगवान जी जैसा शख्सियत अभी जल्दी में हम जो है नहीं प्राप्त कर सकेंगे, उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी।